mere sinir me akka pat pat swagat hai mera naam maya hai ye maine lajpat nagar market mein kharida bahut acha hai na aap log kaise hain main bilkul hi theek hu hamesha theek hu chalo aaj main aap logon ke sawalon mein uttar dene wali hu theek hai to shuru kare chalo shuru karte hain kontrodia Jai Raj Bhai. Did you grow up watching Dremel? Not really. क्योंकि हफ्ते में दो घंटे ही टीवी देख सकती थी और ड्रेमोन तो इतना ज्यादा नहीं देखती थी तो महीने में 30 मिनट बस प्रीति जायसवाल जी थैंक यू How marriage ritual happen in Japan? जापान में अगर पारंपरिक जापानी शादी करेंगे तो मंदिर में जाके जापानी ट्रेडिशनल पारंपरिक कपड़े पहनकर और मंक मंदिर के वो साधु है ना इसको ऐसे करते हैं और शराब भी पीते हैं वो पवित्र वाला शराब होता है जापान में इसको ना ऐसे तीन बार हाँ थोड़ा इतना वो ड्रंक होने तक नहीं पीते हैं बस वो रिचर है ऐसे पीते हैं हाँ लेकिन जापान में जापानी स्टाइल में शादी करने वाले कम है ज्यादातर लोग वेस्टर्न स्टाइल में शादी करते हैं चर्च में जाते हैं वेडिंग ड्रेस सफेद वाला ड्रेस पहनते हैं आज तक मैंने 4-5 शादी देखी है लेकिन उनमें से सिर्फ एक पारंपरिक जापानी शादी थी वंदना खोली Thank you. You look pretty in the picture. Oh, thank you very much. I want to ask very basic question. How many places or states you've have visited in India till date? Delhi, Mumbai, Varanasi, Kolkata, Agra, Jaipur, Rajasthan, Pune, Imphal, or Assam. बस हमेशा दिल्ली और मुंबई में जाती हूँ काम की वजह से या कुछ शूटिंग है या कुछ पढ़ाई है लेकिन बाकी जगहों भी घूमना चाहती हूँ फिर 2020 में ज्यादा घूमूंगी ठीक है कैन यू कुक एनी इंडियन फूड यस पराठे बना सकती हूँ चपाती बटर चिकन आलू गोभी थोड़ा कीमा भी बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा बना सकती हूँ पता नहीं अच्छा है कि नहीं आकाश कुमार थैंक यू What should I do for making career in Japanese film industry? Is Japanese language important for that? Actually, मैं एक इंडियन फिल्म मेकर से इंटरव्यू करने वाली हूँ शायद अभी प्लान बना रही हूँ वो जापान में रहता है और जापानी भाषा में फिल्म बनाता है पता नहीं उसको जापानी ठीक से आती है कि नहीं आज तक मिली नहीं है उनसे तो उसी वीडियो में बताऊंगी ठीक है कातिल हिंदी गेमिंग व्हाट एंड जापानी थिंक ऑफ एन इंडो पाकिस्तान टेंशन इज इट सेम एज चाइना एंड जापान टेंशन गिव सजेशन ऑन हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान कैन बिकम फ्रेंड्स लाइक जापान एंड यूएस एवर आफ्टर यूएस ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान ओके सबसे पहले What Japanese people think of Indo-Pakistan tension? मुझे लगता है ज्यादातर जापानीज़ लोग इंडो-पाकिस्तान के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं और मुझे नहीं लगता है कि इंडो-पाकिस्तान टेंशन और जापानीज़ चाइना टेंशन और जापानीज़ यूएस टेंशन सेम है सबसे बड़ी अलगता यह है कि जापानी लोग भगवान नहीं मानते हैं हाँ मतलब मानते हैं मंदिर में चलते हैं शिंटोइज्म है बुद्धिस्ट है लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है जापानी लोग इकोनॉमिक से ज्यादा ध्यान देते होंगे बिजनेस ज्यादा महत्वपूर्ण है हाँ डेली लाइफ महत्वपूर्ण है ना कि भगवान लेकिन इंडो पाकिस्तान के टेंशन के सबसे मतलब बेसिक में हिंदू और मुस्लिम का टेंशन होता है तो ये टेंशन बिल्कुल ही अलग है तो सजेशन देना बहुत ही मुश्किल है और यूएस के बारे में हम बहुत लोग पूछते हैं जापानी लोग यूएस से नफरत करते हैं क्या बॉम्ब की वजह से नहीं क्योंकि यूएस ने बॉम्ब गिराया था 70 साल पहले तो आजकल के यूएस लोग बॉम्ब के रिस्पॉन्सिबल नहीं है और जापान भी वर्ल्ड वॉर टू में काफी मतलब बुरा काम करता था तो हम नफरत करने का अधिकार भी नहीं है तो सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है तो सजेशन नहीं दे सकती हूँ
Rashmi Chauhan. Hello, Mayadi. Hello. What is your meaning of your name? Dunia Kostida Jio. How do Japanese people have such a beautiful and white skin? Well, white skin, first of all, this is yellow. We are yellow monkey. But, 面とは茶けりえ微笑でやんないんでっていうふん、but face wash or moisturizer とメリギパサンディダプロダクティスもあるからっていうふん、レキウスケアラワネインパックバゲラとないんからっていうふん、レキンズやだったらジャパニーズロック、モーニングクリーム、ナイトクリーム、ナイトパック、ホットフィットからっていうふん。Number 3, what is your age? 25? How many festivals are there in Japan and which festival is your favorite list? はんじゃ、パンメ、サマーフェスティバルストバホティホテヘン、ガルミヨンメ、トラディショナル、ユカタ、カプレペヘンカ、バハルチャルテヘン、オールマツリメン、クチダンスカルテヘン、ヤクチトカネヘン、ハン、オールファイアワークス、パン、パン。वो फेस्टिवल भी है लेकिन इंडिया से अलग है जापान में जगह जगह की त्योहार होती हैं लेकिन इंडिया में सब इंडिया देश में होली मनाते हैं दिवाली मनाते हैं वो एक दिन में देश के सब लोग मनाते हैं ना एक साथ लेकिन जापान में जगह जगह की वो त्योहार है थोड़ा सा अलग है फिर दिखाऊंगी गर्मियों में दिनेश कंकल हेलो दिनेश क्या आपके टूथब्रश में नमक है? नहीं, नमक है इंडियन टूथपेस्ट में नमक है क्या? वो टूथपेस्ट मिंटी होती है ना? मनीष शिंदे, हेलो, क्या आपने मुंबई का वड़ा पाव, पुणे की मिसल पाव ट्राई किए हैं? शायद नहीं, धनंजय कुमार सिंह, are you vegetarian? No, do Buddhists consume beef? अगर आप जापानी से पूछेंगे कि आप बुद्धिस्ट हो कि नहीं, वे लोग उत्तर देंगे हाँ, लेकिन सच में बुद्धिस्ट फॉलो नहीं करते हैं, आज से नकली बुद्धिस्ट हैं, हाँ, जब लोग मरते हैं तब किसी तरह से किसी रिलीजियंस के तरह से मतलब रिचर करना पड़ता है तब लोग वो धर्म के अनुसार रिचर करते हैं लेकिन सच में डेली लाइफ में बौद्ध धर्म फॉलो नहीं करते हैं नॉन वेज खाते हैं तो हाँ उत्तर वो ही है अगर मेरी बात करें तो हाँ मैं भी बोलूंगी कि मैं बुद्धिस्ट हूँ क्योंकि मेरे परिवार में बौद्ध धर्म के अनुसार रिचर करते हैं तो मैं भी कहूंगी मैं बुद्धिस्ट हूँ लेकिन मैं शिंटोइज्म के मंदिर में भी जाती हूँ वो भी एक कस्टम है और मैं बीफ आजकल नहीं खाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं तो हिंदू मंदिर में जाती हूँ या आजकल तो मुक्तिनाथ जाके वो पवित्र पानी लिया है तो ऐसे करने के बाद बीफ खाने पे अच्छा नहीं लगता है तो उत्तर ऐसा ही है मेकरानी शादब इस जापान हैज अ प्रॉब्लम विद मुस्लिम्स मुसलमान के लिए विशेष प्रॉब्लम नहीं है लेकिन विदेशी लोगों के खिलाफ कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी होंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान के खिलाफ विशेष प्रॉब्लम्स है सिमरम समंता जी हेलो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट ब्यूटी डेफिनेशन इन जापान एंड इंडिया होप यू आंसर आई विल ओके सो जापान में छोटा शकर और बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऊंची नाक और हाँ पतला पतली होनी चाहिए ये मेरा वो शकर बहुत ही मोटा है हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए और बॉडी शरीर भी बहुत ही पतली होनी चाहिए और हाइट लंबी है तो अच्छा है छोटी है फिर भी चलती है लेकिन मॉडल बनने के लिए तो लंबी होनी चाहिए और बाल तो अगर छोटा है लंबा है वो स्टाइल के अनुसार ठीक है ऐसा नहीं है लंबा बाल ज्यादा सुंदर है या छोटा बाल ज्यादा सुंदर है बस और वो आईलिड डबल होनी चाहिए सिंगल अच्छा नहीं माना जाता है और त्वचा अगर सफेद है तो अच्छा है लेकिन अगर सफेद नहीं है तो लोग कहेंगे वो तो एशियन ब्यूटी है हाँ ऐसे बस बहुत ही सवालों में उत्तर दिए हैं और शायद मैं दो वीडियोस में डिवाइड करूंगी क्योंकि अभी तो 40 मिनट बज गए हैं तो 40 मिनट का क्यू एंड ए वीडियो कोई नहीं देखता है तो शायद दो वीडियो में डिवाइड करके अपलोड करूंगी
ठीक है, बहुत ही सवालों पूछने के लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। फिर अगर मौका है तो Q&A करेंगे, ठीक है। तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, मतलब बाय बाय।